आज हम आपको बताने वाले हैं भिन्न का जोड़, तीन अंकों का भिन्न का जोड़। यहाँ पर चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पर भिन्न का जोड़ तीन अंकों का आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है 1/2 प्लस 3/5 प्लस 2/4। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका लास्ट ले लेते हैं, तीनों का, तीनों के हर का लास्ट ले लेंगे। तो हमारे यहाँ पर इसका लास्ट लेंगे तो क्या आएगा हमारा, चलिए यहाँ पर हम लास्ट लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्या है, 2 है 5 है और 4 है। आपको लॉस लेना तो आता ही होगा एलसीएम। तो यहाँ से 2 से लेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से लेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1। फिर 5 से ले लेंगे तो 1 1 1। तो हमारा क्या बचा, 2 दूना 4, 4 5 20। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे। अब यहाँ पर काट देंगे, अब यहाँ 2 से और 20 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 10। तो 10 1 कम 10 हो जाएगा हमारा, 10 लिख लेंगे। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। अब 20 में अगर 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 बार जाएगा तो 4 3 का 12 हो जाएगा हमारा। फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे। अगर हम 20 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 गुणा 2 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 10। 5 दूना 10 हो जाएगा हमारा। अब इसको जोड़ देंगे हमारा क्या हो जाएगा, 10 10 20 32 हो जाएगा हमारा, 32/20। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये कट रहा है 4 से, तो काट देंगे हम इसको। हो जाएगा हमारा 4 से कटेगा कितनी, 4 8 32 और ये 5 बार, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 8/5, हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2/7 प्लस 2/8 प्लस 7/4। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हर का एलसीएम। तो हमारा हर क्या है, 7 है 8 और 4, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम, 7 और 8 है और 4 है। तो यहाँ पर 2 से लेंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा 4 हो जाएगा 2। फिर 2 से लेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ जगह 7 यहाँ जगह 2 यहाँ 1। फिर 2 से लेंगे यहाँ जगह 7 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1। अब 7 से ले लेंगे 1 1 1 होगा। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 7। तुम्हारा क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4 दूना 8 7 56, हमारा 56 आ गया एलसीएम। तो यहाँ पर हम 56 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 7 का भाग अगर 56 में देंगे कितनी बार जाएगा, 7 8 56 8 बार, 8 दूना कितना होता है 16, 16 लिख लेंगे। फिर प्लस चिन्ह है, प्लस लगा दें। अब 56 में अगर 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो 7 दूना 14 हो जाएगा हमारा। फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगा दें। 56 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 14 बार, तो 14 का गुणा अगर 7 बार में करेंगे कितना जाएगा, 14 गुणा 7 बार करेंगे कितना जाएगा, 14 98 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर 98 लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए 128 हो जाएगा हमारा ऊपर, और नीचे हो जाएगा हमारा 56। तो यहाँ पर कट रहा है तो इसको हम काट देंगे। यहाँ पर देखिए हमारा एक कितने से काट रहा है, 8 से कट जाएगा आराम से, इसको काट देंगे, 8 7 56, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 6 बार, 16 बार, तो हमारा राइट आंसर आएगा 16/7। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1/7 भाग के गुणे प्लस 2/8 प्लस 3/2। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसके हर का एलसीएम लेंगे। तो हर क्या है, 7 है 8 है और 2 है, तो इसका हम एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे। आपको एलसीएम लेना लेता लेना तो आता ही होगा, चलिए यहाँ पर लेकर दिखा भी देते हैं आप लोगों को। तो हमारा क्या है, 7 है 8 है और 2 है, तो यहाँ से 2 से लेंगे तो हो जाएगा 7, हमारा ऐसा ही रहेगा 4, और यहाँ हो जाएगा 2, और फिर 2 से लेंगे तो हो जाएगा 7 यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1, फिर 2 से लेंगे यहाँ 7, फिर 7 से लेंगे यहाँ 1 यहाँ। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एलसीएम 2 × 2 × 2 × 7, 2 दूना 4 दूना 8 7 56, इसका भी एलसीएम हमारा आ गया 56, 56 आ गया हमारा। तो यहाँ पर 56 लिख लेंगे। अब अगर 56 में हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो 8 1 कम 8 हो जाएगा हमारा। फिर प्लस चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। अब अगर 56 में हम 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो 7 दूना हमारा क्या जाएगा, 14। फिर प्लस चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। अब हम 56 में अगर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 28 बार। अगर हम 28 को गुणा 3 बार कितने करेंगे कितना बार आएगा, 84, 84। अब इसको हम तीनों को जोड़ देंगे,
तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको अगर जोड़ेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर हो जाएगा 98 + 8 + 56। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा और 56 हो जाएगा हमारा। तो यह इसको काट देंगे तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 53/28। तो हमारा राइट आंसर आ गया 53/28। 2/5 - 1/7 - 2/5। तो इसका सबसे पहले हम इसके हर का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हर क्या है, 5 है 7 है और 5 है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, हमारा क्या है 7 है 5 है और फिर 5 है। तो यहाँ से हम 5 से लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे 7, फिर एक यहाँ पर 7 से लेंगे यहाँ पर एक एक, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 7 × 5, तो हमारा क्या आ जाएगा 7 × 5 = 35, 35 हो गया। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 35, तो यहाँ पर हम 35 लिख लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, अगर 35 में हम 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 7 का गुणा अगर 2 में करेंगे कितनी आएगा, 7 × 2 = 14, फिर माइनस चिन्ह माइनस लगा देंगे। अब 35 में अगर हम 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 7 × 5 = 35। तो 5 का गुणा अगर 1 में करेंगे कितनी बार आएगा, एक ही 5 1 कम 5 आएगा, फिर माइनस चिन्ह माइनस लगा देंगे। फिर अब हम 35 में अगर 5 का भाग देंगे कितनी बार आएगा, 7 बार। तो 7 का गुणा अगर दोनों कितनी करेंगे कितनी बार आएगा, 7 × 2 = 14, 14 आ गया हमारा। अब इसको हम जो है इसको देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो, तो हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे ऊपर क्या आ जाएगा, -5/35। तो इसको अगर हम काटेंगे 5 से तो हो जाएगा 7 बार कटेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1/7। ये हमारा राइट आंसर है 1/7। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए लेते हैं यहाँ पर हम 7/5 - 1/3 - 2/9। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसके हर का एलसीएम लेते हैं। हर क्या है हमारा, 5 है 3 है और 9 है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 5, 3 और 9 का। तो यहाँ से कितनी बार कटेगा, 3 बार में कटेगा, 3 से कटेगा मतलब। तो यहाँ पर 3 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 ही रहेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3। फिर 3 से काट देंगे तो यहाँ पर जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर 5 से काट देंगे तो ये भी हो गया। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 3 × 3 × 5 क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45। तो हमारा एलसीएम आ गया 45। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आ गया 45। अब अगर 45 में हम 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 9 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 × 7 = 63, फिर माइनस चिन्ह है माइनस लगा देंगे। 45 में अगर 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 15। तो 15 × 1 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 15 × 1 = 15, फिर माइनस माइनस लगा देंगे। 45 में अगर 9 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 का गुणा अगर 2 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 10। तो यहाँ पर इसको करेंगे हम तो 63 - 25 हो जाएगा 45। तो अगर 63 + 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, इसको आप लोग भी घटाइए, और जाएगा 38 के बट्टा हो जाएगा 45। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे देखिए तीसरा एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम 2/5 - 1/4 - 2/8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं हर का एलसीएम। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 5 है 4 है और 8 है। तो इसका मैक्सिमम लेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 से जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ पर जाएगा 2, यहाँ पर जाएगा 4। फिर 2 से लेंगे तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। फिर 2 से लेंगे तो यहाँ जाएगा हमारा 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब हम 5 से लेंगे, यहाँ 1 1 1 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 5। तो क्या जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 25, 40। हमारा एलसीएम आ गया 40। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40 अपना एलसीएम। फिर यहाँ पर अगर 40 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 8 × 2 क्या जाएगा हमारा, 16 16 लिख सकते हैं, माइनस किसी ने माइनस लगा दें। 40 में अगर 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो 10 से कम क्या हो जाएगा हमारा, 10, फिर माइनस किसी ने माइनस लगा देंगे। फिर 40 में अगर 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 गुणा अगर 2 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 × 2 = 10। तो इसका ऊपर हम लिखते हैं 16 10 10 कितना जाएगा, माइनस माइनस चिन्ह है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा - 20। फिर बट्टे में क्या है, 40 40 लिख लेंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारा। और 16 में से -20 घटाएंगे कितना आएगा, -4/40। तो इसको अगर हम काटेंगे तो एक बार 10 बार में कट जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1/10। हमारा राइट आंसर